हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक्चुअली है तो ये उसी व्लॉग का कंटिन्यू ही, बस तैयार होने का था। शाम को उठे और तैयार होने लग गए, तो बस अभी मैं तो तैयार हो गया और ऑलमोस्ट अब जाएंगे हम लोग उधर शादी के लिए। यो गाइस, आई हैव रीच्ड द लोकेशन। ये हमारी लोकेशन है, ये हमारे रुद्र बाबू बाबा जी के साथ चल रहे हैं। मम्मी भी अपना व्लॉगिंग बना रही हैं। मैंने तो मम्मी को बोला अपना व्लॉगिंग चैनल खोल लो, अच्छा चलेगा। प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है ये। है मां, प्रॉपर्टी कैसी है? अच्छी है ना? अच्छा, आप इसका ध्यान रखोगे? तू रखेगा, तेरा कर रखा काम। तनु रख लेगी। तनु को बुला लूं? भाई ये कर रहा पूरा एंजॉय अपना, इसने मुझे काट रखे यहाँ पे पूरे इसमें। सो भाइयों, अभी आया था गाड़ी में। एक्चुअली समय आप देख लो, 12:15 हो रहे हैं। तो बेसिकली सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अचानक क्या हुआ, एक ट्विस्ट आ गया स्टोरी में कि अभी पता नहीं कैसे पापा के जूते का पूरा तलवा जो होता है ना नीचे का, वो फट गया, वह उखड़ गया। तो अब शू मतलब फट गया बिल्कुल ही, पैर निकल गया था उसमें। तो अब पापा वो कह रहे भाई क्या हो सकता है, अब हो क्या सकता है, सेक्रीफाइस तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गाड़ी में आया था, आप वो कर लो। तो इसलिए मैं गाड़ी में आ गया, अपना रिलैक्स कर रहे हैं। बाकी टाइम अभी मिलेगा, अगर फेविक्विक का अरेंजमेंट करा है, फेविक्विक मिल गए कहीं से, तो वो थोड़ा तलवा सा चिपकाने की कोशिश करेंगे। फिर बैक टू थोड़ा आप, बिकॉज मेरी सिस्टर भी है स्टेज पर आ गई है, और जो उनके अब होने वाले हस्बैंड है वो भी स्टेज पे आ गए हैं, तो उनकी जो पिक्स है या वीडियोज़ है वो ले नहीं पा रहा मैं। देखता हूँ कोई बोलूँगा किसी को कि जो ले सके, ठीक है, आपको इसमें ऐड कर दूँगा मैं। अब Oh my God! It was zordar taaliyan ho jaye hamari beautiful bride ke liye. How romantic this was, yaar! Beautiful, beautiful. And see, yahan hamari sarkaar jo hai, wo dono haathon se dil khol ke. Kya baat hai? Kya baat hai? Beautiful. Bhai, samay ho raha hai is time. सुबह के बज रहे हैं 4, हम अभी आए हैं। अब जरा आराम कर रहे हैं, आराम का टाइम हो गया। चलिए जी, अंधेरा गुप हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वही अगला दिन, अब जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट ये देख लो 11:47 हो रहा है सुबह के। भैया लेट आए थे सुबह, तो सो रहे थे, अभी उठे हैं, नाश्ता वास्ता करा, अब निकल रहे हैं, निकल के फिर चलते हैं। भाई अभी हमारी पूरी फैमिली मतलब पूरा कुनबा, चाची चाचा मतलब भाई बहन जितने भी हैं सारे अभी दक्ष मंदिर पे आए हैं, यहाँ पे हरिद्वार पे। देखो ये पिताजी, ये पूरी फैमिली यहाँ पे इधर भी खड़ी है, ये रही, और वो मम्मी और रुद्र तो वहाँ पे है ही है। ये हमारा इस साइड पे दक्ष मंदिर आता है पूरा,
ये देखो बड़े होट वाला भैया। सो मिस्टर लीलू जी, एक्चुअली ये लीलू पठान इनका नाम है, तो लीलू जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहली बार मंदिर में आए हैं, तो इससे पहले आपको कभी हमेशा बैन किया गया था मंदिरों में आने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है इधर। अब थोड़े से होट बंद करो। हाँ भैया। वाले तो सारे सो गए हैं, सभी सो गए मुझे छोड़ के। दिल्ली लगभग 183 किलोमीटर दूर है अभी, बस मुझे नींद ना आए। सो गाइस मैं आ गया हूँ घर, शक्ल में तो 18 बजे हुए हैं अभी। मम्मी पापा भी रुद्र को लेके नीचे के नीचे चले गए अपने उधर दिलशाद गार्डन में घर पे। अब चलते हैं जरा रिलैक्स करने, रेस्ट करेंगे, सामान रख दें। आपकी भाभी भी नीचे मिलने आई थी रुद्र को। चलो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। Hey!